गाइस, इस वीडियो में हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए चैनल आर्ट यानी कि चैनल बैनर बनाना सीखेंगे। इससे पहले यूट्यूब के लिए लोगो कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूं अपने चैनल पे। सो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए देख लीजिएगा, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप मुझसे इंट्रो आउट्रो लोगो बैनर यूट्यूब के लिए या फिर बिजनेस के लिए डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्प्ले से मिल जाएगा। सो चलिए अब जानते हैं बैनर कैसे डिजाइन करना है। गाइस, बैनर डिजाइन करने के लिए यहाँ पे मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा आपको। सो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे जो ये बॉक्स दिख रहा है ये फॉर्मेट है बैनर का, यानी कि जो उसका साइज होता है उसका ये फॉर्मेट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट का एक लाइन मिलेगा टॉप राइट कॉर्नर में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज साइज पे क्लिक करके यहाँ कस्टम वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूट्यूब चैनल बैनर जो है सेलेक्ट करके यहाँ ओके पे क्लिक कर लेना है। बेसिकली ये साइज है, अगर इस साइज का आप नहीं बनाते हैं तो यूट्यूब पे ये सेट नहीं होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से हमें फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड जो है जो मैं अभी ऐड करने वाला हूँ ये आपके पास नहीं होगा, इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये बैकग्राउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से ये बैकग्राउंड ऐड करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो ये बैकग्राउंड मैं बताता हूँ क्यों जरूरी है। ये एक तरह से जो हमारा बैनर लगता है उसका एक परफेक्ट साइज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग साइज के लिए मार्क कर रखा है कि जैसे कि अगर आप अपना बैनर बनाते हो तो ये जो डार्क वाला एरिया दिख रहा है ये सिर्फ मोबाइल यूजर को दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टैबलेट यूजर के लिए है और ये जो पूरा है यहाँ तक ये पूरा का पूरा डेस्कटॉप पे अगर कोई आपके चैनल को विजिट करता है तो उसको दिखेगा, और ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है ये टीवी पे अगर आपके यूट्यूब चैनल को कोई देखता है तो वहाँ पे ये पूरा विजिबल होगा। सो हमें इसी एरिया के अंदर जो है अपना चैनल बैनर डिजाइन करना होता है। सो अब क्या करना है, आपको यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से शेप्स पे क्लिक करना है, यहाँ से हमें ये एक स्क्वायर ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें इसका सबसे पहले कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ नीचे जाना है, आप जिस भी कलर का मतलब बनाना चाहें उस कलर का आप बना सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई कलर ले लेते हैं। देन हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लेना है कुछ इस तरह से और देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसे छोटा करके कुछ इस तरह से यहाँ प्लेस करना है, इसके बराबर ऐसे करना है। सो यहाँ पे करने के बाद से कुछ इस तरह से हमें एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद से ये जो एरिया है जितना बड़ा मैंने अभी बनाया है ये सिर्फ मोबाइल के लिए है। आप चाहें तो अगर आप टैबलेट यूजर के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक करना होगा, पूरा यहाँ तक करना होगा, और अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं तो आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको करना होगा। सो आप इसके अंदर अपने एलिमेंट्स को, अपने चैनल का नेम और लोगो आपको ऐड करना होता है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। सो अभी मैं फिलहाल मोबाइल के लिए बता देता हूँ, सब प्रोसेस सेम है अगर आप डेस्कटॉप के लिए या टैबलेट के लिए करना चाहते हैं। यानी कि डेस्कटॉप के लिए आप करते हैं तो मोबाइल वाले को तो पूरा दिखेगा ही दिखेगा, डेस्कटॉप वाले को भी दिखेगा, लेकिन अगर मोबाइल के लिए सिर्फ आप करते हैं जैसे कि ये रहा ये एरिया सिर्फ इतने बड़े साइज में बना रहे हैं बैनर, तो ये सिर्फ मोबाइल यूजर को दिखेगा, ये वाला भाग ब्लैक ही दिखेगा या फिर जो कलर का होगा वही दिखेगा क्योंकि इतना ही में आप बनाए हो, तो ये वाला पोर्शन डेस्कटॉप यूजर को खाली खाली सा दिखेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आपके ऑडियंस किस तरह के हैं उनको टारगेट करते हुए। सो इसके साइज के बराबर करने के बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लेना है ताकि इसके अंदर एलिमेंट्स डालने में जो भी हम नेम वगैरह डाले उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ हमें मेजरमेंट के लिए उतना करना था। इसके बाद हमें फिर से यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ शेप्स पे क्लिक करना है, यहाँ से इस बार यहाँ से शेप सर्कुलर लेना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। ये सर्कल को बीचों बीच हमें प्लेस करना है। बीचों बीच प्लेस करने के लिए सिंपली सबसे पहले हमें इस ग्रीन वाले को बीचों बीच इस यहाँ पे प्लेस करना होगा। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, इसे सेलेक्ट करना है, देन यहाँ और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच जो है सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ऐसे ही हमें इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ रिलेटिव पोजिशन पर क्लिक करना है, देन यहाँ और यहाँ जैसे ही टैप करेंगे ये बीचों बीच आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साइज को पहले थोड़ा सा हमें छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से, ज्यादा बड़ा नहीं, देन इसे अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों एलिमेंट्स को जो हमारा ग्रीन कलर का और व्हाइट कलर का जो सर्कल है इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है।
इससे हमारा ये दोनों एलिमेंट जो है एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। इसके बाद आपको इस हेक्सागोनल वाले सेक्शन में ही नीचे आना है, यहाँ से इरेज कलर पे क्लिक करना है, देन यहाँ इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे यहाँ से व्हाइट वाला जो पोर्शन होगा वो गायब हो जाएगा, यानी कि इरेज हो जाएगा, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमने अभी ये एलिमेंट्स बनाया, ये वाला जो डिजाइन बनाया, इसका एक कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने के लिए इस हेक्सागोनल वाले सेक्शन में ही ऊपर जाना है, यहाँ कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगा। लेकिन ये जो कॉपी बना इसी कलर का बनेगा, सो हमें क्या करना है, दूसरे वाला जो हम कॉपी बनाया इसका कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के लिए इसी में आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का कलर फिल्टर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इसका यू जो है इसको चेंज करके कुछ इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जिस कलर का रखना चाहें आपको कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, देन यहाँ पे कुछ इस तरह से अलाइन करना है। कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, ये फ्रंट साइड में है तो इसको बैक साइड में कर देना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ पे टू फ्रंट टू बैक का एक ऑप्शन मिलेगा, सो हमें यहाँ फ्रंट में है तो बैक में करना है, तो टू बैक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीछे की तरफ चला जाएगा। सो हमारा एलिमेंट कुछ इस तरह से दोनों एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना है। सो कंबाइन करने का प्रोसेस सेम है, आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से इन दोनों बॉक्सेस को चेक मार्क करके कंबाइन कर देना है। दोनों को कंबाइन करने के बाद यहाँ हमें बीच में अपना लोगो लगाना है। सो आपको अपना चैनल लोगो यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, इसके लिए यहाँ ऐड वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने डिवाइस से अपना जो लोगो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ। लोगो ऐड करने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस लोगो को छोटा करके यहाँ बीचों बीच प्लेस करना है। लोगो को बीचों बीच सही से प्लेस करने के बाद इसे भी हमें ग्रीन कलर वाले बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेना है। सो आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और इन दोनों को मर्ज कर लेना है आपस में। इसके बाद हमें यहाँ पे अपने चैनल का नेम ऐड करना है। नेम ऐड करने के लिए यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का एक बॉक्स जो पहले से ही था इस पर आपको डबल टैप करना है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने चैनल का नेम टाइप कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से ए वाले आइकन पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो है इसका फॉन्ट चेंज करना है। यहाँ पे फॉन्ट उतना अट्रैक्टिव नहीं है तो यहाँ आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, यहाँ नीचे एक फॉन्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे फॉन्ट ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला मीम फॉन्ट है इसको ऐड कर लेना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट है वो ऐड हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ बी स्टाइल वाले बी पे क्लिक करके और यहाँ से हमें इसे इटैलिक कर लेना है, थोड़ा सा इसे टेढ़ा कर लेना है, देन यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्या करना है, ये जो है ये पीछे की तरफ है तो इसे हमें फ्रंट में कर लेना है। यहाँ पे आपको ऊपर फ्रंट का टू फ्रंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा नेम कुछ इस तरह से आपको बीचों बीच प्लेस कर देना है। अगर आपका नेम साइड से कहीं से कटे तो आपको यहाँ पे एक पैडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके और लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग बढ़ा देंगे तो आपका जो नेम है वो कटेगा नहीं, यानी यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर जो है स्ट्रोक्स ऐड करने हैं, यानी कि जो नेम लिखा हुआ है उसका आउटर बाउंड्री जो है यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इसी ए वाले सेक्शन में आपको यहाँ स्ट्रोक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन इसे यहाँ से इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे यहाँ पे स्ट्रोक जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप स्ट्रोक का विड्थ जो है आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रेड कलर लेना चाहें तो रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है नेम ऐड हो गया है। इसके पीछे जो है आप चाहें तो शैडो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे शैडो का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद जैसे मेरे चैनल का नाम टेक्नोलॉजी 489 है तो यहाँ पे 489 ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जितना भी मैंने किया फॉन्ट चेंज करना या फिर शैडो या स्ट्रोक डालना, ये दोबारा से मेरे को ना करना पड़े इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के लिए इस ए वाले सेक्शन में ही ऊपर यहाँ कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, ये डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हमें इस पर डबल टैप करके जो भी लिखना है और कोई अगर नेम है तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे 489 तो यहाँ पे मैं 489 ऐड करके यहाँ डन पे क्लिक कर देना है, देन यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं बाकी सारे इफेक्ट्स मुझे ऐड नहीं करने पड़े, ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है।
इसके बाद ये नेम ऐड करने के बाद इन नेम्स को भी जो हमने ऐड किया उसे मर्ज कर देना है इसके साथ। सो यहाँ पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से इन तीनों बॉक्सेस को चेक मार्क करके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक करके इनको ऐड कर देना है। सो इस तरह से हमारा जो बैनर है वो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं एक ओवरव्यू दिया हूँ, आइडिया दिया हूँ कि आपको बैनर जो है वो कैसे बनाना है। यहाँ पे अपने चैनल थीम के अकॉर्डिंग अगर गेमिंग थीम है तो यहाँ पे कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर और किसी साइट से आप जुड़े हैं तो उसका यहाँ पे PNG आइकन लगा सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके। सब प्रोसेस सेम है, यहाँ पे आपको ऐड वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाके जो भी ऐड करना चाहते हैं इमेज वगैरह इस पे लाके इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये एक आइडिया था कि कैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे बेस जो है स्ट्रक्चर मैं क्रिएट करके आपको दिखा दिया हूँ, इसके ऊपर अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसको छोटा करना है। सेव करने से पहले आपको इसके साइज का बनाना जरूरी है। यहाँ पे आपको इसके बराबर कर लेना है। इसके बराबर करने के बाद जैसे इसके जो हमारा डार्क वाला ये सेक्शन है इसके बराबर कर लेना है एग्जैक्ट सही से, और देन इसको सेव करने के लिए आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस साइज का बना लेना। इसके बाद सेव करने के लिए यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव एज इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ से हाई क्वालिटी के लिए आपको डायमेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो जब आप इस इमेज को सेव करेंगे तो ये डायरेक्ट जब आप YouTube पे लगाएंगे तो ये YouTube पे जो हमारा शो होता है बैनर वो इतना ही सेक्शन शो होता है, ये जो जितना बड़ा है इतना ही बड़ा शो होता है। सो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ये हम इसलिए हम इस बैकग्राउंड को जो ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड हमने यूज किया रेफरेंस के लिए इसलिए ही करते हैं ताकि वहाँ पे कोई चीज़ जो है कटे ना, कोई इन्फॉर्मेशन जो हम इसमें ऐड कर रखे हैं वो कटे ना। सो ऐसा करके आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अट्रैक्टिव सा बैनर बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।